राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेषाधिकारी रहे लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कई बड़े खुलासे और महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। लोकेश शर्मा ने कहा कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उससे जुड़े मामले में पिछले 3 सालों से मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच में पूछताछ की प्रताड़ना झेल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मुझे उस समय यह भरोसा दिलाया गया था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने इस केस को लेकर बात करना तक बंद कर दिया और पूरी तरह से इस घटनाक्रम से किनारा कर लिया है। लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी के रूप में जिस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, उसके तहत आज तक मैंने वही किया जो मुझे निर्देश दिए गए। जब भी मुझसे फोन टैपिंग से जुड़े ऑडियो को लेकर मीडिया या जांच एजेंसी द्वारा पूछा गया, तो मैंने यही कहा कि ऑडियो क्लिप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। लोकेश शर्मा ने इसके साथ ही पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार की कार्यशैली की सराहना भी की है। वहीं रीट पेपर लीक प्रकरण को याद दिलाते हुए बताया कि गहलोत सरकार ने उस समय युवाओं की हितैषी सरकार को होने का दिखावा किया था, लेकिन पेपर लीक से पूरे सिस्टम की मिलीभगत थी और ये वो लोग थे जो कि इस तरह के मामलों की रोकथाम के लिए बने हुए हैं। लोकेश शर्मा ने कहा कि जब पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डीपी जारोली की इसमें संलिप्तता पाई गई, तो पूरी सरकार इससे पशुपेश में थी कि उन्हें बर्खास्त कैसे किया जाए। इसे लेकर भी काफी चिंतन मंथन किया गया और आखिर में उन पर की गई कार्रवाई के लिए बर्खास्त शब्द का प्रयोग किया गया। लोकेश शर्मा ने कहा कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे और दोषियों की जानकारी होने के बाद भी उन्हें अपना आदमी कहकर बचाने का काम करे, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा जाना चाहिए, ये प्रदेश की जनता खुद तय करे। लोकेश शर्मा ने वर्तमान सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि वे पेपर लीक प्रकरण की तरह तक जाकर सभी दोषियों को सजा दिलाने का काम करे और इसकी जांच के लिए आज पेश किए गए सबूत अगर राज्य सरकार मांगती है तो मैं इन सबूतों को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा हमारे साथ में मौजूद है और आज इन्होंने कई बड़े खुलासे करे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। सर, क्या असर पड़ेगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो आज आपने खुलासे करे, क्या प्रमुख वजह रही कि आज का ही समय आपने चुना? देखिए, ये काफ़ी दिन से मैं पशुपेश में था, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार मुझसे हो रहा है और जो मैंने अपनी मजबूरी बताई, इतने दिनों में आज ये स्थितियाँ बन गई कि कोई उस पर बात ही नहीं करना चाहता, जिनकी वजह से मैंने अपना इतना बड़ा एक स्टेप लिया और वो सब लोग मेरा साथ छोड़ के चले जाएं, तो मैं कब तक अकेले इसको लेके आगे बढ़ूँगा। तो ये एक बड़ी वजह रही और आने वाली मई में जिस तरह से 7 या 8 महीने को अभी क्लियर नहीं है, मैं अपने एडवोकेट से पूछूँगा कि कौन सी डेट है, तो उस मई से पहले अगर मुझे जांच एजेंसी बुलाती हैं और इसका कोई समाधान करने का प्रयास करती हैं। देखिए, मैंने ऑडियोज़ को रिलीज़ किया, इसका मैंने कभी मना नहीं किया, लेकिन वो आए कहाँ से इसके बारे में मैं हमेशा यही जानकारी देता रहा जो मुझे निर्देश दिए गए, और निर्देशों की पालना करना जब तक आप किसी के अधीन काम कर रहे हैं तब तक आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है और मैंने अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया। और उसी वजह से जब आज उन सब चीज़ों से मुक्त होने के बाद मुझे ये डर लग रहा है कि भविष्य में क्या होगा, तो सत्यता तो मुझे बतानी ही पड़ेगी ना, और मैंने वही कदम उठाया, मैंने उस सच से सबको अवगत कराया जिसे आज तक लोग जानना चाह रहे थे। तो बस यही एक कारण था, और कोई इसका किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए नहीं पड़ना चाहिए मैं उसे लेकर कोई बात नहीं। लोकेश जी, भले गजेंद्र सिंह जी वाला ऑडियो का प्रकरण हो, सचिन पायलट वाला मानेसर एपिसोड हो, पेपर लीक हो, कई ऐसी चीज़ें हैं और उसमें एक बहुत विशेष 2 साल ये प्रदेश कोरोना से पीड़ित था, उस समय जैसा कि आपने भी कहा एक मानवीय संवेदना होती है, उस समय भी आपके कहे अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साजिशें रची, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए उस बारे में भी उन्होंने सोचा और किया, जैसा आपने कहा उनकी जानकारी में था, वो खुद साजिश रच रहे थे ये मैंने नहीं किया। मैंने ये कहा कि उस टाइम में जो भी उपकरणों की खरीद फरोख्त हो रही थी उनमें कई हजार करोड़ रुपए, 20 रुपए की चीज 200 रुपए में हमने खरीदी जो हमें 20 रुपए में आसानी से मिल रही थी, तो उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के नाम पर कितने बड़े घोटाले हुए उनके बारे में किसी ने सोचना ही नहीं चाहा।
ना उस डेप्थ तक कोई गया, क्योंकि हमने तो बाहर ये माहौल बना दिया कि भीलवाड़ा मॉडल और हमने इतनी जानें बचाई। तो ये तो सरकारों का दायित्व तो है कि अपने नागरिकों की जान कैसे बचे और कैसे उनके जीवन को सुरक्षित किया जाए, लेकिन उसकी आड़ में स्वास्थ्य विभाग के कोई घोटालों को खोल के देखें, कोई एक बार उसकी तह में जाने का प्रयास तो करें। मुझे लगता है कि ये अभी इस सरकार के एक मंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये जेल जाएंगे वो जेल जाएंगे, तो उन्हें भी तो कुछ हाथ लगा होगा, वो भी कहीं कोई हवा में सारी चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इंगित करती हैं इस ओर कि इस प्रदेश में ये जो पिछला शासन काल रहा इसमें बहुत कुछ तो कोरोना की वजह से छुप गया, और जो काम होने चाहिए थे वो सिर्फ इस लड़ाई में, इस जद्दोजहद में कि हम अपनी सरकार को बचाए रखें, मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, उसी में पूरा समय निकल गया। लोके जी, एक आखिरी सवाल ये है कि विधानसभा चुनावों में विपक्षों और लोकसभा चुनावों में बीजेपी के जितने भी लोग हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो भी प्रचारक हों, वो सब लोग ये कहते रहे कि पिछले 5 साल अशोक गहलोत सरकार ने जनता को सिर्फ लूटने का और बेवकूफ़ बनाने का काम किया। आज की आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो तमाम लोग सच बोल रहे हैं। जनता तो लूटा हुआ महसूस करेगी ना जब उसे ये खुलासा प्राप्त होगा कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, जनता का ही तो पैसा है। एक तरफ तो कहते हैं कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, यही कहते सुना होगा आपने पूर्व मुख्यमंत्री को, मैं तो जनता का ट्रस्टी हूँ। अब जनता के ट्रस्टी के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए कि आप उसकी देखभाल इस तरह से करें कि कहीं भी उसका कोई मिसयूज़ ना हो। लेकिन यहाँ तो आप तमाम विभागों को देख लो, इस विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरह से पैसा बर्बाद किया है पब्लिसिटी के नाम पे, एक पता नहीं कहाँ से कोई एजेंसी उठा के लिया है, तमाम विभागों को ये डायरेक्शंस दिए हुए थे कि इतना इतना पैसा इस एजेंसी को देना है, तो राजनीतिक अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार के खजाने का दुरुपयोग करना, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय किया गया। हमारे साथ लोकेश शर्मा जी, और साफ तौर पर जिस प्रकार से आज की जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें अब ये क्लियर है कि बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा जो भी आरोप विधानसभा चुनाव में लगाए गए और लोकसभा चुनाव में लगाए गए कहीं ना कहीं वो सत्य साबित हुए हैं। और अब क्योंकि एक दिन बचा है लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण राजस्थान में है उसको, अब चुनावों पर लोकेश शर्मा जी की पीसी क्या कुछ असर डालती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उमंग माथुर, जनता दरबार।